एवरी वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आने वाला है एक रेसिपी वीडियो। तो फ्रेंड, मुझे पिछला व्लॉग वीडियो इसलिए डिलीट करना पड़ा क्योंकि उस पर कॉपीराइट क्लेम हुआ था, तो उसकी वजह से जो वीडियो का मेन पार्ट्स थे उनको कट करना पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा कि मेन पार्ट्स कट हो रहे हैं तो बाकी की वीडियो कोई मतलब फन नहीं बनता है, तो इसलिए फिर मैंने पूरी वीडियो डिलीट कर दी। सो तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आज हम आपके साथ एक रेसिपी वीडियो लेके सो आज हम बनाने वाले हैं कचालू। सो फ्रेंड्स, इसे हम स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं, और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो इंग्रीडियंट्स चाहिए बहुत ही कम होते हैं, सो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, तो आज हम बनाने वाले हैं कचालू यानी कि स्वीट पोटैटोस। सो उसके लिए हमने यहाँ पे लिए स्वीट पोटैटो, इनको मैंने काट लिया। तो फ्रेंड्स, इनको हमने बॉईल कर लेना है। सो यहाँ पे जो इन स्वीट पोटैटोज का साइज था वो मिनिमम इतना था मैक्सिमम। सो उसके लिए हमें लगी 2-3 विसल्स कुकर में। सो साइज पे डिपेंड करता है। सो और ये लिया हमने इमली का पानी, ये हमने 160 ग्राम इमली का पानी लिया है। ये लिया हमने धनिया यानी कि कोरिएंडर, और यहाँ पे हमने लिए हैं बहुत बेसिक से मसाले हैं, काली मिर्च, रेड चिलीज, नमक, और ये ग्रीन चिलीज जो हमने काट ली है छोटी छोटी। सो काली मिर्च ऐसे इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जीरा और अजवाइन लिया है, एक्चुअली मेरे से गलती से मिक्स हो गया। सो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं दिखा सकती, बहुत छोटा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होने हैं। तो चलिए आगे का प्रोसीजर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम तवा ले लेंगे और उस पर हमने हमारा जो जीरा और अजवाइन है उसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी क्योंकि इससे ये जो है वो फ्लेवर आएगा। सो इसे भी हम भून लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन है तो आप इसको उसमें भी कर सकते हैं। मेरे पास भी है माइक्रोवेव, पर मैं चाहती थी कि ये तवे पे हो क्योंकि तवे पे अच्छी तरह से हो जाता है, और माइक्रोवेव में बीच बीच में से रह भी जाता कभी कभी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये भुन हो रहा है, देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो गया है, बहुत गर्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आप इन अजवाइन और जो ज़ीरा है उसे आप अलग अलग भी भून सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को एक्चुअली अलग अलग लोग भूनते हैं, क्योंकि जो वो होती है अजवाइन होती है उसे कम भूनना होता है, और जो ज़ीरा होता है वो ज़्यादा भूना जाता है। यहाँ चल रहा है, तो हो गया हमारे, कर देंगे और हम इसे ले लेंगे अपनी कटोरी। अब हम अपने भुने हुए जीरा और अजवाइन का एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जीरा और अजवाइन का एक फाइन सा पाउडर बना लिया है, थोड़ी गर्म हो गई है जो इसे साइड पर रख देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम अपने कचालू को कर लेंगे शिफ्ट। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे अपना पानी यानी कि इमली का पानी। अगर आपके पास इमली का इमली नहीं है तो आप इसकी जगह पे नींबू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खटास के लिए होता है। तो अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, चिलीज, नमक और ग्रीन चिलीज। इसमें ऐड करेंगे अपना जो हमने अभी पाउडर बनाया है, एक फाइन सा जीरा और अजवाइन का। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये एक स्ट्रीट फूड होता है, ये जम्मू में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो अगर मैं बाहर की स्टेट्स में मिलता है नहीं मिलता। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स हमारे कचालू जो है बनकर तैयार हो गया है। सो हमने इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से धनिया। धनिया भी इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स आप धनिया पहले मिक्स नहीं कर सकते हैं ऊपर से, पर मुझे बेटर लगा कि ऊपर से डालें। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी अमेजिंग रेसिपीज पाते रहें। सो चलिए हम खाते हैं उन्हें कचालू, और आप भी अपने घर में बनाइए और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा है बनाकर। बाय एवरीबॉडी, मीट यू नेक्स्ट संडे।